पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय और उसके नवे और उसके दसवें पद को पढ़ेंगे। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और मैं तेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। Okay, now this chapter is one of the boring chapters of the Bible. और ये जो अध्याय है ये शायद बहुत ही ज्यादा बोर करने वाला अध्याय होगा। Why is it boring? और इसको बोरिंग या ऐसा क्यों कहते हैं? You know, I believe that, you know, when there's a lot of genealogy, it's boring. और जब भी जहाँ कहीं बहुत ज्यादा वंशावली का जिक्र होता है तो वो हमें बोरिंग लगने लगता है। So what Neha read is the only interesting part of that chapter. तो जो दो अध्याय दो आयतें मैंने पढ़ी हैं केवल वो ही इस चैप्टर में पढ़ने लायक हैं या अच्छी हैं। Before this and after this, you will find all kind of genealogy. This was born after this. This was born after this. और इस आयत से पहले और इस आयत के बाद जितना भी जिक्र है वो केवल वंशावली का जिक्र है कि इस शख्स से ये उत्पन्न हुआ, ये इस शख्स से ये उत्पन्न हुआ। So if you are looking for names, like what name to name your daughter or son, you can read this chapter. और यदि आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चों का क्या नाम रखें, तो आप इस अध्याय को रेफर कर सकते हैं। So you know, so the theme of the chapter is like this, you know, the descendants of Judah, Perez, Hezron, Carmi, and Shobal. Rei, son of Shobal, was the father of Jana. Jana was the father of Ahumalai and Aladat. You know, so this is the theme of, you know, the passage like. So we have not read that, but these are the two statements which Neha read about the prayer of Jabez. और ये जो अध्याय है इसकी शुरुआत यदि आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जो यहूदा उसकी वंशावली किस रीति से रही है, किससे कौन उत्पन्न हुआ, और जो दो आयतें पढ़ी हैं हमने वो याबेस की प्रार्थना को बताती हैं। So you know what I want to bring out today? और हम आपसे आज क्या बांटना चाहेंगे? Is you know, everyone is born in a particular family setting. और हम सब जानते हैं कि जो कोई भी पैदा होता है वो एक परिवार में एक रूप में पैदा होता है। एंड माय मैसेज टुडे इज लॉर्ड हैज गिवन यू द कैपेबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर फैमिली और टू स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर योर फैमिली। और हम आज का विषय जो आपके साथ बांटना चाहेंगे वो ये है कि आप में खुदावन ने वो काबिलियत रखी है कि आप अपने परिवार को जो है एक नई दिशा की ओर मोड़ सकें। So I want to start by giving you an example of Bartimai. और सबसे पहला जो आपके साथ विषय बांटेंगे या एग्जाम्पल देंगे वो बर्तिमाय का होगा। You know, in if you look into, you know, most of the disorders that people have, like cancer or you know, diabetes or hypertension, you will find that the parents also had it and not children also have it. और ये जितनी भी बीमारियां होती हैं जो आजकल काफी लोगों में पाई जाती हैं, जैसे कैंसर है या शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, जितने लोगों में होती है वो अक्सर उनके माता पिता में भी होती है, तो उनमें भी वो पाई जाती है। And rather the doctors will now find out that what happened to your dad or, you know, granddad, and then, you know, they will try to trail that is there a, you know, a hereditary issue or, you know, something in their chromosome that's bringing this on. और यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी तरीके की जांच करवाने के लिए तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपके दादाओं को या आपके माँ बाप को कोई बीमारी तो नहीं थी ऐसी, ताकि वो समझ सके कि आपके परिवार में कोई बीमारी तो नहीं चलती चली आ रही है। And you know, Bible also talks about certain kings that had the same character, and their children also had the same character. और बाइबल भी हमें बताती है ऐसे राजाओं के बारे में कि जो खूबियां उनमें थी वही खूबियां जो हैं उनके बच्चों में पाई गईं। Sometimes you meet somebody's kid and you can say, oh, this is that person's, you know, son or daughter, just because, you know, what they do or what they say or how they react to situation, it matches that of their parents.
और कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चे को देखकर है पहचान सकते हैं कि ये शायद उसका बेटा या उसकी बेटी होगा, क्योंकि उसके बोलने का तरीका या शायद उसके रिएक्ट करने का तरीका जो है वो अपने माता पिता जैसा हो. And in the Bible, there are many beggars also that's mentioned. Their names are mentioned. And I was looking at one of the Torah teachers, and he was telling us that in Israel there were a lot of blind beggars, and blindness also was something like, you know, when a child is born, if the parents are really, they have very weak eyes, the children also would have very weak eyes. और बाइबल में भी हमने देखा है कि बहुत से अंधे भिखारी थे, और पासबान ने तोरा की एक किताब का जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पढ़ा है कि इसराइल में जो है जो भिखारी पाए जाते थे वो भी अंधे हुआ करते थे. और यदि किसी की आंख कमजोर होती है माता पिता की, तो बहुत ज्यादा जो है पॉसिबिलिटी रहती है कि उसके बच्चे की भी आंख की जो दृष्टि है वो कमजोर हो देखने की. ओके, सो वी हैव सीन दिस ट्रेंड सो मेनी टाइम्स, और हमने कई बार ये है जो अपने जीवन में देखा है. Okay, so the first example I want to give you about Bartimai is a blind beggar, and his father's name is Timai. And there's one guy who, you know, writes about this beggar, and he says that, you know, they both were blind. It's like father was also blind. और Bartimai जो है वो एक भिकारी था और वो अंधा था, और जो इसका पिता था वो भी भिकारी था और अंधा था. So it's like a hereditary of beggars and all having the same problem. They have eyesight issue. और ये तकरीबन एक जैसे मान के चलिए कि ये उनके परिवार में चलता आ रहा है कि उसका पिता अंधा भिखारी था, अब वो भी एक अंधा भिखारी है, और आगे कुछ हल्के शायद उसकी पीढ़ी भी अंधी हो और भिखारी बने. But Jesus was going there, और यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था. And as he was going there, Bartimai, you know, shouted at the Lord and says that, Lord, I don't want to be a beggar any longer. I want my eyesight back. और जब यीशु वहां से गुजर रहा था तो बर्तिमाई ने चिल्लाकर यीशु मसीह को पुकारा और बोला कि मैं भीख नहीं मांगना चाहता और मैं अंधा नहीं रहना चाहता. You know, and Jesus healed him. और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया. Suddenly, there's a new move in their family line. और अब बर्तिमाई की चंगाई को हासिल करने से उसकी पीढ़ी में एकदम से बदलाव आ गया. A family that has always got this eyesight problem now has the first candidate in that family line. Having 7x7 vision. और उस समय उसके परिवार में उसकी पीढ़ी में अब तक शायद सारे लोग अंधे रहे होंगे, आंखों की कोई तकलीफ रही होगी, पर बर्तिमाई के वहां मौजूद होने से और यीशु मसीह को पुकारने से उसने अपने आने वाले पीढ़ी की जो है हर एक चीज को बदल दिया. So you see that how Jesus is looking that you change your family legacy. It's for every individual. This message is for every individual. It's not that, you know, what has happened in your family or what has not happened in your family, but you need to rise up and say that from now on, this will not happen in my family. From now on, I am going to claim this for my family. और ये जो वाक्य है ये हमें बताता है कि कैसे बर्तिमाई ने खड़े होके पहल करी, यीशु मसीह को पुकारा. और ये जो मैसेज है ये हम में से प्रत्येक जन के लिए है कि यदि हमें लगता है हमारे परिवार में एक चीज होती चली आ रही है, तो ये हमारे लिए है जरूर कि हम खड़े हो, यीशु मसीह को पुकारें और इस बात का जो है घोषणा करें कि ये अब से हमारे परिवार में नहीं होगा. You know, that's why many times debt also flows, you know, parents' debt for father's debt, and then flows on to the parents, and then parents flows on to their children. और इस कई बार कई परिवारों में जो है कर्जा भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चढ़ा आता है. उसके दादा का कर्जा उसके माता पिता पे आता है, माता पिता का कर्जा बच्चों पे आता है, और वो कर्जा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाता है. Bible talks about a widow who comes to Elisha and says that I had lot of loan, you know, and I was not my husband wasn't able to pay. And now it's come on to our children, and the one who owes us the money, whom I owe the money, he has come to take them as captives. You know, so what can you do? How can you save us? और एलिशा के पास एक बार एक विधवा आई थी. उसने बोला कि मेरे पति ने कर्जा लिया था, और वो कर्जा जो है मेरे पति के जाने के बाद अब हम पर आ गया है, और जिससे हमने कर्जा लिया है अब वो मेरे बच्चों को ले जाना चाहता है कि वो उनको बंधुआ बनवा के रख सके. और एलिशा से कहने लगी कि तू हमारे लिए अब क्या कर सकता है. So Elisha says, get you know all bowls from your neighbors and all kinds of equipment that can hold liquid. And you have a pot of oil, and you take that oil and keep pouring in all the baltis and all the, you know, like storage utensils. And it kept flowing. That was a miracle.
And then he told that now sell the oil and give it off and you are out of your debt. तब एलिशा उस विधवा को कहता है कि तू आस पड़ोस में जा जितने बर्तन इकट्ठा कर सकती है कर ले और तेरे पास में जो कुप्पी का तेल है उस कुप्पी के तेल को उन बर्तनों में उंडेलना शुरू कर और जब उसने उस कुप्पी के तेल को उन बर्तनों में उंडेलना शुरू करा तो सारे बर्तन जितने वो इकट्ठा कर पाई थी सब तेल से भर गए तब एलिशा ने उसे कहा कि इस तेल को बेचकर अपने कर्जे को चुका दे okay. So you understand that God is always willing to change the direction. Some things that have been happening in our family, some things that have been constantly, we have been carrying on since ages. He wants to change it through a revival in our lives. और ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करना चाहता है. यदि हमें लगता है कि हमारे परिवार में या पीढ़ी में कोई चीज चली आ रही है जो हमें बदलना चाहिए तो उसके लिए जरूर है कि हम कोई कार्य करें और यीशु मसीह के आगे उस बात को रखें. You know, and that's why when a baby is born, इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है, we never say looking at the baby, अरे ये चपरासी बनेगा. तो हम उस बच्चे को देख के कभी ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये बच्चा चपरासी बनेगा. Oh, it's like oh, रिक्शा पुलर for sure. You know, ये तो जरूर रिक्शा चलाने वाला बनेगा. You know, normally we aim for a trade that's very high paying or that involves a lot of wisdom or you have to go through competitive exam and then clear that. We aim for that for a child. और जब भी हम किसी बच्चे को या अपने बच्चे को देखते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसको कुछ अच्छा बनाएंगे शायद जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि चाहिए होती होगी बहुत एग्जाम्स पास करने होते होंगे हो सकता है हम सोचते हो डॉक्टर बनाए आईएएस ऑफिसर्स बनाए हमेशा बड़ा सोचते हैं कि अपने बच्चे के लिए उसको इतना बड़ा बनाएंगे. Okay. And similarly, God, when he looks at us, He wants us to cry out, "Yes, I will be this, that." और ऐसे ही हमारा परमेश्वर पिता भी हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हम भी उसकी तरफ देखें और उसे बताएं कि हाँ हम इस चीज को बदल के अपने जीवन में ये चीज करना चाहते हैं. So in this particular chapter, it's a genealogy. और ये जो अध्याय है जो हमने देखा है पहला इतिहास का इसमें वंशावली का जिक्र है. And it's going normal. और ये वंशावली बिल्कुल ठीक चलती चली आ रही है. This is the father of so and so, this is the father of so and so, this is the son of so and so, this is the son of so and so, and the whole lineage is given. और उस वंशावली में जिक्र है कि इस पुरुष से ये उत्पन्न हुआ, उससे ये उत्पन्न हुआ, उससे ये उत्पन्न हुआ, सब कुछ सही से लिखा है और चलता चला आ रहा है. And suddenly there's this guy called Jabez who's born. और एकदम से जिक्र है याबेस के बारे में. And his mother named him Jabez, which means pain. और उसकी माँ ने याबेस उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि उसने उसको पीड़ा से उत्पन्न किया था. You know, it's a weird name for somebody. और ये बहुत ही अजीब नाम होगा है किसी माँ का अपने बच्चे के लिए रखने को. You know, it's like pain is coming. Pain has come to the church. दर्द आ रहा है, दर्द आ रहा है, दर्द का स्वागत करो, दर्द कलीसिया में आ रहा है. You know, it's a weird name. और ये बहुत अजीब सा नाम है किसी को देना. I think you know he inherited that pain from his parents. और उसने उस दर्द को जो उसके नाम के जरिए रखा था अपने माँ बाप से अपने जीवन में ग्रहण करा था. But he came to know who is the one who can take all the pain and give me great life. पर वो इस बात को जानता था कि कौन है जो उसके सारे दर्द को लेकर उसे एक नई दिशा और उसे एक नया जीवन दे सकता है. So he prayed to the Lord that Lord, you take all my pain away and make me better than everyone. और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि खुदावन तू मेरे सारे दर्द को ले ले और मुझे बाकी सबसे बेहतर बना. And he prayed, O Lord, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be on me and keep me from harm, so that I will be free from pain. That was. और उसने प्रार्थना करी, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और तू मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता. And it says God granted his request. और वचन बताता है कि और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने वो उसे दे दिया. Bartimai was not the only beggar at that time. और बर्तिमाई के साथ जब चंगाई हुई थी आश्चर्यकर्म हुआ था वो एक लौता भिखारी नहीं था जो वहां बैठा था. I think it was a line of beggars. हम सोच सकते हैं कि वहां पे बहुत सारे भिखारी इकट्ठा होकर एक लाइन में बैठे होंगे. It was their best time to get alms because Jesus has taught his disciples, give and it shall be given to you. You know, and now Jesus is passing by and it's a test for the mob also. You have just learned Jesus saying, give and it shall be given to you. And now is a good collection time for Bartimai and all the other beggars there. और ये बहुत ही अच्छा अवसर था उन सब भिखारियों के पास क्योंकि यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था. उसने सबको बताया था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और अपने चेलों को सिखाया था कि तुम आगे जो है चीजों को दे सकते हो, आशीषों को दे सकते हो. और उन सब भिखारियों के पास ये अवसर था कि वो अपनी चंगाई को मांग सकें.
You know, but everybody is busy in collecting alms. पर सब जो हैं वो व्यस्त हैं पैसा इकट्ठा करने में. But Bartimai understood. पर बर्तिमाय इस बात को समझ गया था. मेरा समय आ गया है. कि जैसे हमने गाना गाया था एक कि उसका समय आ गया है मेरा you know, समय आ गया है. He understood that this is the time that's going to change the direction for my family. और वो जान गया था इस बात को कि यह वो समय है जब मैं अपने आने वाली पीढ़ी और अपने आने वाली परिवार के लिए हर एक चीज को बदल सकता हूं. I will make sure that this disease and this begging business is over for me and my children from now on. और उसने इस बात को ठान लिया था कि अब मेरे जरिए से ये भीख मांगने की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज चली आ रही है हमारे परिवार में खत्म होगी और ये जो अंधापन हमारे परिवार में चलता आ रहा है ये खत्म होगा. So there are a lot of miracles like this in the Bible. और ऐसे बहुत से आश्चर्यकर्म जो हैं इनका जिक्र है परमेश्वर के वचन में. And many of this disease I have found out that it's kind of it's happening to everyone in the family line. और जब अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप समझ पाएंगे आप देखेंगे कि जो बीमारियां जिनको यीशु मसीह ने चंगाई करी है या जितनी भी चंगाइयों का जिक्र है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी. You know, and that happens in many other cases also. और ये बीमारियों के अलावा और भी जगहों पे होता है. For example, you know, if parents have never had a house, then parents also do not have a house. They are also living in like rented accommodation, and then it passes on, and you know, it passes on till the time one person stands up, does really well, and then does something, you know, supernatural for that family, and then you know, from that time. The whole direction is changed. और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे परिवार में शायद किसी के पास अपना घर नहीं होता जो एक बहुत बड़ी आशीष होती है कि दादाजी के पास नहीं था उनके बाद हमारे माता पिता के पास नहीं था अब हमारे पास भी नहीं है हम भी किराओं के घर में रह रहे हैं पर परमेश्वर किसी एक के जीवन में ऐसा कार्य करता है सब बदल देता है और उसे शायद एक घर की आशीष से नवाजता है. And you know, I'm just not talking about on monetary basis. It can be in many other ways in God. God's going to reveal yourself, himself to you. But you need to have this prayer of Jabez. You need to understand what can I strategically pray for and change the way it's been going on in my family. और ये केवल पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है या आर्थिक चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है ये आपको समझना जरूरी है कि आपके जीवन में खुदावन से आपको क्या मांगना है किस चीज की जरूरत है आपके जीवन में किस बदलाव की जरूरत है आपको आपके जीवन में. So I want to give you certain examples. तो आपके साथ कुछ examples बांटेंगे. In my mom's family line. पासवान बता रहे हैं कि जो उनकी ननिहाल का तरफ है या जो उनकी मम्मी की साइड है ऑलमोस्ट एवरी पर्सन हैज बीन इन्फेक्टेड विद कैंसर और उनके ननिहाल में तकरीबन हर एक शख्स को कैंसर रहा है. माय मॉम डाइड ऑफ कैंसर इन 1992 और पासवान की जो मदर हैं वो भी कैंसर के वजह से ही गुजरी थी. माय मदर सिस्टर डाइड ऑफ कैंसर उनकी मौसी भी कैंसर की वजह से गुजरी थी. माय अनदर सिस्टर डाइड ऑफ कैंसर और उनकी एक और मौसी भी हैं वो भी कैंसर की वजह से ही गुजरी थी. एंड देयर डॉटर्स टू ऑफ देम डाइड ऑफ कैंसर और मौसी की दो बेटियां भी कैंसर की वजह से मरी गईं. सो यू सी दैट यू नो कैंसर इज जस्ट कम्स अप यू नो और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एकदम से आ जाता है. बट आई रियली बिलीव दैट कैंसर हैज नो रोल इन माय लाइफ पर पासवान को ये विश्वास है कि कैंसर का कोई भी जो कण है वो उनके जीवन में नहीं है. एंड आई बिलीव दैट यू नो दैट इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन माय लाइफ एंड इट्स नॉट बिकॉज यू नो आई हैव डन अ गुड डाइटिंग एंड आई मेंटेन यू नो गुड हेल्थ इट्स नॉट अबाउट दैट इट्स जस्ट माय इक्वेशन विद द लॉर्ड वेयर आई हैव अंडरस्टूड दैट दिस वाज अ कर्स दैट वाज कमिंग डाउन थ्रूआउट एजेस But it's going to stop from me looking at my relationship with Jesus. And it's not going to go further down in my family. और पासवान इस बात से आपको उत्साहित कर रहे हैं कि जो कैंसर की बीमारी उनके ननिहाल के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी उनका ये विश्वास है कि उन पर आकर जो है या उनसे पहले वो बीमारी अब खत्म हो चुकी है इनसे आगे वाली पीढ़ी में ये कैंसर की बीमारी नहीं बढ़ेगी. ये इसलिए नहीं है कि शायद वो अपने खाने पीने का या अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं वरन ये इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि खुदावन के साथ उनका एक ऐसा रिश्ता है और उस रिश्ते की वजह से वो जो कर्स या वो जो महामारी टाइप की बीमारी चलती चली आ रही थी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अब वो आगे नहीं बढ़ेगी. इट्स बीन 13 इयर्स आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल टैबलेट और 13 साल हो गए हैं पासवान की गवाही है कि उन्होंने एक भी दवाई नहीं खाई है. Okay. So I want to just encourage each one that
you might have your own agendas and you need to take it to the Lord and pray the prayer of Jabez. Something that's happening, you know, stop living the normal life when God has a supernatural life in store for you. हम आपको इस बात से उत्साहित करना चाहेंगे कि आपको जरूर है कि आप समझे आपके जीवन में किस जगह पे या किस क्षेत्र के लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है. जैसे याबेस ने प्रार्थना करी थी वैसे आप अपने जीवन को टटोलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर जरूर से वो पूरी करेगा. You know, in my dad's side, पासवान बता रहे हैं उनके ददियाल की तरफ. Everybody has good health till 65. I think that's the number in which after that everything goes bad. और पासवान बता रहे हैं उनके ददियाल की तरफ तकरीबन 65 साल तक सब बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं. And around 65, everyone, you know, all my chachas, they've got paralytic attacks. और 65 साल के बाद जितने भी उनके ददियाल की साइड में चाचा वगैरह हैं, उनको लकवे का जो है रोग लग जाता है. And one problem is that they have lesser memory after that. और उसके बाद जो है उनकी याददाश्त जो है कमजोर हो जाती है. So my दादी also, she had very less memory. तो दादी जी जो थी पासवान की, उनकी भी याददाश्त बहुत कमजोर थी. So whenever we will go when we were youngsters to their house, my dadi will keep on asking us kab aaye. Many times in the day. कब आए? और पासवान बता रहे हैं क्योंकि उनकी दादी की याददाश्त कमजोर हो गई थी, तो जब वो उनके घर जाते थे तो वो एक ही दिन में कई बार बच्चों से पूछ लेती थी तुम कब आए, तुम कब आए. And my brother also, whenever he will look at me, he will ask कब आए तुम. जो पासवान के भाई हैं, वो भी बार बार उन्हें देख के ऐसे ही मजाक में बोलते थे तुम कब आए. You know, and that's the trend. That's a trend, you know. और ये था जो उनके ददियाल की साइड में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला रहा था. Three of my chachas. और उनके तीन चाचाओं के साथ भी ऐसा हुआ. And it happened with my fufi also. Fufi is yeah. और उनकी बुआ के साथ या फूफी के साथ भी ऐसा ही हुआ था. Okay. In the year 2007. और सन 2007 में. I got this word from the Lord that you know you need to write your prayers and have a target-based praying. और पासवान को परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिला था कि तुमको अपनी प्रार्थनाओं को लिखकर रखना चाहिए और बताना चाहिए परमेश्वर से प्रार्थनाओं में कि ये प्रार्थना है. And I used to write down that Lord, I need 90 years of running health for my dad. और पासवान जो है लिखकर प्रार्थना करते थे कि उनको अपने पिता के लिए 90 साल की उम्र चाहिए जिसमें कोई भी बीमारी या परेशानी ना हो. Now he's 85 years old. और अंकल आज 85 years के हैं. And when he comes here, he swims 2 kilometers. I can swim only 1 kilometer. और जब अंकल यहाँ आते हैं तो वो 2 kilometer स्विमिंग करते हैं, जबकि पासवान बता रहे हैं वो अपनी उम्र में सिर्फ 1 kilometer ही स्विमिंग करते हैं. Why has this happened? ऐसा क्यों हुआ है? This has not happened because he has had a very good diet. और ऐसा इसलिए नहीं है कि अंकल की डाइट बहुत अच्छी है. It's not that, you know, he has not, you know, he likes eating and just eats anything. और अंकल को जो है खाने का बहुत शौक है और वो कुछ भी खा लेते हैं जो भी उन्हें मिलता है. But I believe his prayer life and his walk with the Lord is different from what my chachas had and what my fufa had. पर उनके जीवन में इस आशीष का जो रीजन है वो ये है कि अंकल का प्रार्थना का जो जीवन है या जो उनका खुदावन के साथ रिश्ता है वो अलग है जो उनके चाचा या उनके भाइयों का रहा होगा. And they also do not have the privilege of a praying son like me for my dad. और उनके पास ऐसी आशीष भी नहीं है कि उनके पास एक ऐसा बेटा हो जो प्रार्थना करे अपने माँ बाप के लिए. So you see that there are many things that you can change in your life. तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने जीवन में प्रार्थना के प्रभाव से बदल सकते हैं. You know, and this is, I'm not just talking about normal prayer life. I'm not talking about, you know, is Jabez in the whole chronology of events, you know, in the whole that, you know, timeline that's given. Jabez suddenly stands up, you know, he's born with pain. He is not a normal person. You know, he's born with pain. Every time his name is taken, it talks about some problem he has. You know, or he has caused some problem, and then out of that rejection, he understands the one who can save him from this prayer, and it's a unique prayer he made, and God grants him. और जैसा कि अध्याय में देख सकते हैं, पूरे अध्याय में वंशावली का जिक्र है, और एकदम से वंशावली के बीच में याबेस का जिक्र होता है, जो बताता है कि वो पीड़ा से उत्पन्न हुआ और दर्द जो है उसके जीवन से जुड़ा हुआ है. पर उसने हर एक नकारात्मक चीज को बदलने के लिए अपने जीवन में खुदावन से जो है एक घोषणा वाली प्रार्थना करी और खुदावन ने उसके जीवन में उस प्रार्थना को पूरा करा. ओके, नाउ आई वांट टू शेयर वन लास्ट एग्जांपल एंड देन आई विल क्लोज. आखिरी एग्जांपल आपके साथ बांटेंगे और फिर वचन को खत्म करेंगे. यू नो, डेविड वाज नॉट नोन फॉर हिज विजडम.
दाऊद जो है वो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध नहीं था. He was known for battles and you know how with lesser equipment he can slay giants or win wars. And he has been a warrior and he had this mighty man of David who actually you know was so mighty they conquered the entire territory for Israel and every war they actually you know won. और दाऊद प्रसिद्ध था अपने लड़ने के तरीके से कि वो किस रीति से लड़ाई करता था और किस रीति से लड़कर हर एक जगह प्रबल होता था. But he was not known for wisdom. पर वो बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध नहीं था. And that's why many times he did certain foolish things in his life. और इसलिए उसने कई बार कुछ गलतियां भी अपने जीवन में करी हैं. And his son should have inherited all the bravery. और जो उसका बेटा था उसको दाऊद से जो है ग्रहण करना चाहिए था वो सारी ब्रेवरी साहस को इनहेरिट करना चाहिए था. The art of how to win battles. उसको शायद ये सीखना चाहिए था कि युद्ध कैसे जीता जाए. And he learned, might have learned. और शायद उसने अपने बाप से ये सीखा भी हो. But then one thing he asked of the Lord. पर उसने परमेश्वर से एक चीज मांगी. Lord, give me wisdom. कि मुझे जो है आप बुद्धि जो And the Lord gave him wisdom. और खुदावन ने उसे बुद्धि दी. To the extent that nobody was even coming close to the wisdom that he had. और खुदावन ने उसे इतनी बुद्धि दी कि आज तक भी उसके जैसा बुद्धिमान शख्स कोई नहीं बताया जाता. You know, when everyone was throwing their children into the Nile River for crocodile food. और जब सब जो है अपने बच्चों को नील नदी में फेंक रहे थे क्रोकोडाइल मगरमच्छों के लिए. You know, at that time, that was the order of the Pharaoh. Every Hebrew boy that's born, you throw that boy in the river Nile. और उस समय जो है फिरौन का ये आज्ञा था कि जितना भी लड़का पैदा होता है वो नील नदी में फेंक दिया जाएगा. But Moses's dad, when he looked at the baby, पर जब मूसा के पिता ने अपने बच्चे को देखा, he said that this is not crocodile food. कि उसने इस बात की घोषणा करी कि ये बच्चा मगरमच्छ का खाना नहीं this बनेगा. is not the ordinary baby. कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है. This is not destined for the Nile. और ये इसलिए नहीं पैदा हुआ कि इसको नील नदी में फेंका जाए. This boy is destined to cross even the red ocean, go to Mount Sinai and to the promised land. और इसको इसलिए खुदावन ने बनाया है कि लाल समुद्र को पार करे, सिनाय पर्वत को पार करे और वादा किए हुए देश में पहुंचे. So you see that you can change certain things that have been coming into your family. हमें पता चलता है कि यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई चीज चलती चली आ रही है तो आप प्रार्थना के प्रभाव से उसे बदल सकते हैं. So can we pray right now? Can we all stand? क्या हम अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं कि हम प्रार्थना करें? So I want to pray for certain areas and you can pray for that. हम कुछ क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करेंगे. आप भी यदि उसको चाहें तो अपने जीवन में ग्रहण करके उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं. The first area that I'm going to pray for. जो पहला क्षेत्र जिसकी प्रार्थना करेंगे. If there are certain sicknesses that have been happening to everyone in your family or in your family line. यदि ऐसी कोई बीमारी है जो आपके परिवार में पीढ़ी चलती चली आ रही है उसके लिए प्रार्थना करेंगे. It can be diabetes, hypertension, liver problem, kidney infection, heart ailment everyone has got or cholesterol problem everyone suffers or it might be any problem eyesight issue or glaucoma or something that everyone has got. किसी भी रीति की बीमारी चाहे वो शुगर हो या फिर आपकी बीपी की बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, लिवर की प्रॉब्लम हो या ऐसी कोई भी बीमारी जो आपको लगता हो आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है. First of all, can you have the confidence that it's going to stop from you? सबसे पहले आपको ये विश्वास करना जरूरी है कि वो बीमारी अब आप पर आकर रुक गई है. You have to understand that you have the caliber to pray the prayer like Jabez. You don't have to depend on other family members or your mom or your dad or your children to pray that prayer. If you are here, if you are listening to this message, you are the individual who are going to break. You're the path breaking person. You are the one who's going to change that direction. और आपको ये बात समझनी जरूर है कि इस प्रार्थना को, इस बदलाव की प्रार्थना को करने के लिए आपको कोई और या किसी और की जरूरत नहीं है कि आपके माता या आपका पिता या कोई पासवान उसके लिए प्रार्थना करे तब ही वो चीज खत्म होगी आपके परिवार में. खुदावन ने आपको वो काबिलियत दी है कि आप खुद प्रार्थना करके अपने उस परिवार के श्राप को या उस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही बीमारी को खत्म कर सके. So can you take control right now and say that in the name of Jesus I cancel this trend, this disease trend for my family. और आप
विश्वास करके ये बोलें कि यीशु मसीह के नाम से ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती चली आ रही है आज के दिन में मेरे परिवार में खत्म होगी. Something's gonna change because of what I am to you, Lord. हमारे परिवार में कुछ बदलेगा केवल इसलिए कि जो मेरा आपके साथ रिश्ता है. I take authority. और परमेश्वर मैं इस बात की अथॉरिटी लेता हूँ. I claim it. और परमेश्वर इसकी घोषणा करता हूँ. It's like Abraham who suddenly in a family of idol worshippers suddenly stands up and says, I'm not going to worship any idols right now. I am going to follow the living God. I'll go to the place where he calls me. और अब्राहम की तरह जो उसका परिवार था मूर्ति पूजा करता आ रहा था और अब्राहम खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा वरन मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगा जहां वो मुझे बुलाता है वहां जाके उसकी आराधना करूंगा. That's the first one I want to pray for. ये पहला क्षेत्र था जिसकी हमने प्रार्थना करी है. Okay, can you thank the Lord? Say thank you Jesus that this sickness issue is over from my family. और धन्यवाद करें खुदावन का परमेश्वर कि आपने इस बीमारी को जो चलती चली आ रही है आज के दिन हमारे परिवार से खत्म कर दिया है. Second thing I want to pray for. जो दूसरा क्षेत्र जिसकी हम प्रार्थना करेंगे. If you think that you have inherited nothing from your parents, you know, no hereditary or no asset, you know, it's like Bartimai who inherited nothing but blindness and begging from his dad. He was born like a beggar and he continued in that trade. Can you say that, Lord, I am different? I am your creation and I am the one who's going to start a new thing in my family. I'm not going to depend on anybody else. I will start the new thing in my family. और यदि आपको लगता है कि बीते परिवार से जो चलता चला रहा है आपको कुछ जो है आगे ग्रहण करने को नहीं मिला है चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो या जायदाद हो यदि आपको लगता है कि आपके परिवार से आपको वो नहीं मिला है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदावन आज के दिन से उस परिवार के उस चीज़ को ख़त्म करके आपसे एक नई शुरुआत करने वाला हो सके. It's like Jabez, who inherited pain from his mother. But it says that I will be more blessed than anybody else. The Lord's going to take my pain away. याबेस ने जैसे इस बात को समझा और कहा कि खुदावन मैं पीड़ा से जरूर उत्पन्न हुआ हूँ और आज तक पीड़ा को उठाया है पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा आशीषित बनूं. Can you even think of, you know, like certain things that your family has never been doing? You know, maybe it's like nobody in the family ever becomes IAS. No, nobody is a very studious or nobody cracks a very good job. We are just meant for ordinary jobs. Can you just claim right now? Can you tell the Lord that, Lord, I break it in the name of Jesus and it's going to start from me. It's going to start from me. और यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में आज तक शायद किसी ने एक अच्छी बहुत नौकरी नहीं करी है जो बहुत अच्छे ओहदे की मानी जाती है शायद वो एक हाई रैंक पुलिस ऑफिसर हो आईएएस ऑफिसर हो शायद पढ़ाई में बच्चे अच्छे ना हो या बहुत एवरेज नौकरियां सब कर रहे हों तो ये समय है कि आप प्रार्थना करें कि आपके परिवार से आज वो चीज़ बदलने वाली हो सके. Can you pray that, Lord, I pray the prayer of Jabez and like you promised, like you said that the Lord granted his wish. I want to be that path breaker. I want to be that cornerstone with Jesus, as he was the cornerstone with Jesus. I want to change the direction for my family. और जैसा कि आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके परिवार में शायद आज तक कोई बदलाव ना आया हो पर आप परमेश्वर के साथ रहकर उस कोने के सिरे का पत्थर बन जाएं जिसने हर एक दिशा को बदल दिया है. Many times court cases, you know, they continue for ages. कई बार कोर्ट केसेस होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आते हैं. लीगल बैटल्स इज कंटिन्यू और हो सकता है कि कोई कानूनी कार्यवाही चलती चली आ रही हो. यू कैन से दैट, लॉर्ड, आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस. आप परमेश्वर से घोषणा कर सकते हैं कि खुदावन ये सब मेरे परिवार में आज खत्म होने वाला है. आई ट्रस्ट योर फेवर जीसस. और परमेश्वर हम आपके उपकार पर विश्वास करते हैं खुदावन. Maybe, you know, your family line has seen a lot of divorces. हो सकता है कि आपने अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे divorces को देखा हो. Maybe you haven't seen good marriages or even your relatives or close ones and in your family line you have not seen good marriages. और हो सकता है कि परिवार में जो है शादियां या शादीशुदा जीवन अच्छा ना चलता हो.
Can you say to the Lord that, Lord, today I claim for 100% success in my marriage relationship that you are going to give me. और आप परमेश्वर से घोषणा करके प्रार्थना कर सकते हैं कि आप एक 100% सुरक्षित वैवाहिक जीवन जो है परमेश्वर की वजह से ग्रहण करने पाएंगे। I break that curse in the name of Jesus. और जो डिवोर्स का कर्स है जो पीढ़ी दर पीढ़ी शायद चलता चला आ रहा है उसको आप खत्म करें यीशु मसीह के नाम से। I want to give you some more time. Can you close your eyes right now and think of certain things that have been happening in your family line? And can you break it right now? और ये समय होगा आपकी व्यक्तिगत समय होगा आपके लिए आप अपनी आँखों को बंद करके यदि ऐसा कोई क्षेत्र है जिसके लिए आप प्रार्थना करते चले आ रहे करना चाहते हैं जो आपके परिवार में चलता चला आ रहा है और आप उसे खत्म करना चाहते हैं तो ये समय होगा कि आप अपनी आँखों को बंद करके परमेश्वर से उस चीज के लिए प्रार्थना Have the faith that you are going to do it. You know, it's you know, faith with risk makes it really very so powerful. You know. And faith with confidence makes you so powerful. You know? जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रख के घोषणा करेंगे तो ये बहुत ही जोरावर रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा. Almost everyone in that lineage that we read had faith, might have had faith. और जितनी भी जो हमने वंशावली पढ़ी है शायद सबके अंदर उस विश्वास को पाया जाता होगा But Jabez had a different faith. पर याबेस के अंदर एक अलग विश्वास था. He understood that this God is going to provide me. और वो इस बात को समझ गया था कि ये खुदा जो है मेरे लिए चीजों को पूरी कर सकता है he is an amazing God, miracle doer God. और वो एक ऐसा पिता है जो हमारे जीवन में हर एक चीज को बदल के आश्चर्य कर्म कर And सकता that's why he prayed in future perfect tense as if he has already got it. और उसने जो है अपने आने वाले कल को देखकर प्रार्थना करी क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर आने वाले कल को बदल सकता It's है like Jonah in the belly of the fish, he prays that I will offer you offerings, even though he is in the belly of the fish. He can't offer those offerings there in the belly of the fish. He almost had under 100% proof that he would be spitted out from the whale's belly into dry land, where he will give a thanksgiving offering and a burnt offering to the Lord. और योना की तरह जैसे योना ने विश्वास से उस मछली के पेट में प्रार्थना करी थी कि खुदावंद मैं जानता हूँ कि मैं जो है तेरे को एक भेंट चढ़ाऊंगा शायद मछली के पेट में रहकर वो उस भेंट को नहीं चढ़ा सकता था पर उसने विश्वास से प्रार्थना करी कि मैं वो भेंट चढ़ाऊंगा और उसको ये विश्वास था कि खुदावंद उसे उस मछली के पेट से निकाल कर बाहर जरूर लाएगा क्या हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं identify what's going on from generations in their life maybe you know a poverty mindset maybe a mindset of slaves maybe a mindset of corruption maybe a mindset of people pleasing maybe a mindset of domination Lord I pray that you will change that right now From these set of people, Lord, right? और खुदावन हो सकता है कि किसी को पता ना हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या उनके परिवार में चलता आ रहा है हो सकता है पिता परमेश्वर वो गुलामी हो सकता है वो गरीबी हो सकता है वो परेशानी हो सकता है वो अलग डैगर तरीके की कोई पिता परमेश्वर शराब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला रहा हो जो उन्हें ना पता हो खुदावन पर चाहते हैं परमेश्वर आपके नाम से खुदावन वो शराब आज खत्म होने वाला हो Even addictions, Lord Father, that might be going on from ages. और परमेश्वर हो सकता है कुछ बुरी आदतें हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही और यू नो रिवेंज दैट्स बीन गोइंग ऑन फ्रॉम generations aur ho sakta hai parmeshwar ke badla lene ki koi bhavna ho jo peedhi dar peedhi chalti chali aa rahi ho I pray lord father for a release this morning lord aur parmeshwar prarthna karte hain ki har ek cheez mein pata parmeshwar badlav hone wala 100% restoration pata parmeshwar 100% pata parmeshwar aap har ek cheez ko badal dein in the massive name of jesus I pray yeshu masih ke naam se mangte hain amen praise god thanks our lord for joining in for the service Even with all the rains and the water logging. और धन्यवाद करते हैं कि बारिश के बावजूद आप परमेश्वर के भवन में आए और यहाँ सहभागिता रखी. Make sure you meet with each one. जरूर से एक दूसरे से मिलकर जाएं सहभागिता करते May God bless you. Have an excellent week ahead. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. I'm reading scriptures from Psalm chapter 132. Verses 3-5. It says here, I will not go home. I will not let myself rest. I will not let my eyes sleep, nor close my eyelids in slumber,
until I find a place to build a house for the Lord, a sanctuary for the mighty one of Israel. अगर हम हिंदी बाइबल में इसी को पढ़ते हैं तो वचन संहिता उसका 132वां अध्याय और उसका 3रा वचन से यहाँ पे ये लिखा है, दाऊद ने कहा था, मैं अपने घर में तब तक ना जाऊँगा, अपने बिस्तर पे ना ही लेटूंगा, ना ही सोऊंगा, अपने आँखों को मैं विश्राम तब तक ना दूंगा, इनमें से मैं कोई भी बात नहीं करूँगा जब तक मैं यहोवा के लिए एक भवन ना प्राप्त कर लूँ, मैं इसराइल के शक्तिशाली परमेश्वर के लिए एक मंदिर पा कर रहूँगा. You know, these are the verses that actually encouraged me when we were building the second building project in Hardoi. Now, as time has moved on, I want to share two building projects that we have already done, and now we are hopping on to the third one. दो परमेश्वर के भवन के जो प्रोजेक्ट हैं वो हम कर चुके हैं और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि हम करने वाले हैं. पहला प्रोजेक्ट विनय नगर में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2013-2014. द चर्च स्टार्टेड and then we identified Pastor Rani and she offered her house to build the church. और उसी के घर पे हमने कलीसिया का निर्माण किया. आप कुछ उसके पिक्चर देख सकते हैं और वहाँ पे अब करीब 150 से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं और भी ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन चूँकि हमने काउंट इस तरह से नहीं रखा है, वी हैव नॉट एक्चुअली काउंटेड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन टच्ड बाय द गॉस्पेल. But definitely more than 150 people have received Jesus as their Lord and Savior. वहाँ पे 3 सभाएँ होती हैं. Then we started off in a village near Hardoi in Hardoi district. And in this village, we built a house when we had done an open meeting in which many received Jesus as their Lord and Savior. हम Hardoi के इस गांव में गए थे जहाँ पे opposition भी हुआ था और हमने वहाँ पे खुले में सभा की थी और उसके पश्चात जितने लोग प्रभु में आए थे उन्होंने कलीसिया का निर्माण किया. ये लॉकडाउन के आसपास की घटना है. एंड लास्ट ईयर द प्लेस वॉज कम्प्लीटेड. यू सी द पिक्चर्स ऑफ दैट. द रूफ वॉज गेटिंग मेड एंड देन द वर्शिप दैट्स हैपनिंग इनसाइड दैट प्लेस. उसके पश्चात अब हम चाहते हैं कि हम नंगला गुर्जन में जो कि फरीदाबाद के आउटस्कर्ट्स में हैं, फरीदा बल्लभगढ़ से जो रास्ता सोना को जाता है उससे लगा हुआ है ये इलाका. यहाँ पे हमने कलीसिया बहुत पहले स्थापित कर दी है. पहले हम एक गवर्नमेंट स्कूल के बैरेंडा में मिलते थे और गवर्नमेंट स्कूल की एक एम्प्लॉई थी, उसने वो क्षेत्र हमारे लिए खोला था. एंड इट्स द चर्च हैज़ मूव टू मैनी प्लेसेज ओवर द ईयर्स इन दैट एरिया ओनली. एंड अ पिक्चर इज ऑफ वन ओपन मीटिंग वी डिड देयर. We want to do the same thing that we did in Vinaynagar. We want to buy this house for Pushpa, who is the evangelist and the leader in that area. And we furthermore want the family to stay there and run the church in the first floor. जो पहला माला है उस पे हम लोग कलीसिया का निर्माण करेंगे. So you see that this is the house. Now if you get led, if you get inspired as these houses of the Lord are built. We have, you know, seen the history that wherever we have built the houses, the work goes on really deep. It's almost like stomping the authority of our Lord and Savior in that area and telling, you know, everyone that this is the area that we claim for Jesus. और जिस तरह से हमने जहाँ जहाँ भी कलीसिया बनाई है वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जब हम कोई कलीसिया वहाँ पे ठहरा देते हैं तो मानो हम एक ऐलान करते हैं कि ये क्षेत्र प्रभु यीशु मसीह का है. सो इफ़ यू गेट लेड यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट. द नंबर्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन आर देयर ऑन द स्क्रीन. जो नंबर आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उसमें आप प्रभु के भवन के लिए दे सकते हैं. मे गॉड ब्लेस योर फाइनेंसेस. मोरओवर आई कवर्ट योर प्रेयर्स फॉर ऑल दीज प्रोजेक्ट्स एंड हाउस चर्चेस. और इससे ज़्यादा मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग लगातार इन प्रार्थना भवनों के लिए प्रार्थना करते रहें. ऑल दिस बिलीवर्स आर न्यू बिलीवर्स. ये सारे विश्वासी लोग नए विश्वासी हैं जो कि पिछले 10 सालों में प्रभु यीशु मसीह में आए हैं. ऑल दिस पीपल हैव कम इनटू द लॉर्ड इन द लास्ट 10 इयर्स. सो वी रियली नीड टू प्रे दैट दे मैच्योर अप एज बिलीवर्स एंड दे पास ऑन द गॉस्पेल टू देयर चिल्ड्रन, ताकि वो परिपक्व हो सकें अपने विश्वास में और विश्वास को अपने बच्चों में बांट सकें. लुकिंग एट द करेंट क्लाइमेट इन इंडिया, दीज प्लेसेज नीड constant prayers for protection and safety. So thanks a lot for listening to this appeal.